सर पे जब भी कोई एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद बार बार आपको फाइल को सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए सिंपली या तो आपको फाइल पे जाके इस सेव पे क्लिक करना पड़ता है या कीबोर्ड से आपको सिंपली कंट्रोल एस बटन प्रेस करना पड़ता है। देख सकते हैं मैंने फाइल को डेमो नाम से सेव करके रखा है। मैं एक एंट्री करके बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं सीरियल नंबर यहाँ पे कोई भी मैंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ मैं कोई भी प्रोडक्ट का। मान लीजिए मैं क्वांटिटी लिख लेता हूँ, उस पर रेट लिख लेता हूँ। अब यदि इस फाइल को हम फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं या तो हमको फाइल पे जाके सेव करना होगा या कंट्रोल एस करना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली इस फाइल को बंद करता हूँ। मैं डोंट सेव यहाँ पे करता हूँ। आप देख सकते हैं डेमो नाम से मैंने फाइल बनाया था जो डेस्कटॉप पे था। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे डेटा आपका लॉस हो चुका होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखा आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सेव नाम से मैंने एक फाइल बनाया है। अब इस फाइल में जैसे मैं कोई एंट्री करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं सीरियल नंबर 1 ले लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम में कोई भी मैं प्रोडक्ट का नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए कीबोर्ड, और यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ले लेता हूँ और कोई भी रेट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ना ही इस फाइल को आपको फाइल पे जाके सेव करने की जरूरत है, ना ही कंट्रोल एस करने की जरूरत है। डायरेक्टली मैं एक्सेल को क्लोज करता हूँ। देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लोज किया, अब दोबारा मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं ऑलरेडी वो फाइल यहाँ पे मैंने जो भी एंट्री की थी उस फाइल में वो सेव हो चुका है। मैं जितना बार एंट्री करूँ, मान लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर 2 3 4 2 3 4, और अब हमको कंट्रोल एस या फाइल पे जाके सेव करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं इस विंडो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जैसे क्लोज करने के बाद फिर से मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं मैंने जो भी एंट्री किया होगा एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो चुका होगा। तो इस प्रकार आप अपने एक्सेल में प्रोफेशनल तरीके से आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रोफेशनल यूजर का ये पहचान होता है जो बार बार आपको फाइल को सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मैंने कैसे किया मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले मैं कंट्रोल एन से एक नया फाइल बनाता हूँ, और नया फाइल बनाने के बाद हमको यहाँ पे VBA का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ इसके लिए। तो सिंपली बॉर्डर लगाने के लिए मैं यूज करता हूँ Alt+H+B+A। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे मैं कोई हेडिंग डाल देता हूँ। जैसे मैं सेम डेटा ले लेता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अब यहाँ पे अंदर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ पे लाइट कलर। चलिए मैं लाइट कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। अब कॉलम को विड्थ को एडजस्ट करने के लिए Alt+HOI प्रेस कीजिए, ऑटो फिट हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे VBA कोड का यूज़ करना होगा। तो VBA कोड के लिए सिंपली सबसे पहले हम लोग डेवलपर टैब पे जाएंगे, और डेवलपर टैब पे जाने के बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, या हम लोग कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका विजुअल बेसिक का विंडो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिस वर्कबुक दिख रहा होगा, सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपको जनरल दिख रहा है इस जनरल को हटाते हुए आपको वर्कबुक करना है। और यहाँ पे जो आपको ओपन दिख रहा है इस ओपन के जगह आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, बिफोर क्लोज। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं जिसका नाम होगा बिफोर क्लोज। चलिए मैं स्क्रॉल को ऊपर करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बिफोर क्लोज। सिंपली यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक कोड लिख देना है। आपको कोड लिखना है एक्टिव, एक्टिव में ए बड़ा होना चाहिए। उसके बाद वर्कबुक, वर्कबुक में डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए आपके लिए, ये केस सेंसेटिव है नहीं तो आपके लिए काम नहीं करेगा। डॉट और सेव में एस बड़ा होना चाहिए। इतना कोड लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार इस विंडो को आपको क्लोज कर देना, और इस विंडो को भी आपको सिंपली क्लोज कर देना है, और इस फाइल को एक बार सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको फाइल पर जाना है, उसके बाद सेव पे जाना है, ब्राउज पे जाना है। मान लीजिए इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैं सिंपली डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी नाम ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं डेमो ऑटो सेव फाइल का नाम ले लेते हैं, ऑटो सेव। अब सिंपली यहाँ पे आपको सेव एज टाइप दिख रहा है, चूंकि मैंने VVA का यूज़ किया है तो इस फाइल को हमको इनेबल माइक्रो इनेबल वर्कबुक नाम से सेव करना होगा। सिंपली मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। अब मैं सिंपली इसको बंद कर देता हूँ विंडो को, और चलिए मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखाता हूँ जो एक फाइल मेरे लिए बना होगा। तो देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गया हुआ, डेमो ऑटो सेव। सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। अब डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है, चूंकि मैंने माइक्रो का यूज़ किया तो एक बार इस माइक्रो को हमको इनेबल करना होगा। तो सिंपली इस पर इनेबल पे क्लिक करते हैं। अब आपका सेव का झंझट खत्म। आप जो भी एंट्री करना चाहो डायरेक्टली एंट्री करो, और एंट्री करने के बाद ना ही अब आपको कंट्रोल एस प्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही फाइल पर जाकर सेव करने की ज़रूरत है। एंट्री करने के बाद जस्ट बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना, और फिर से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ओपन किया हूँगा ऑटोमेटिक वो फाइल वहाँ पर स्टोर हो गया होगा। इस प्रकार आप जैसे एंट्री करते जाओगे ऑटोमेटिक आपका फाइल सेव होता जाएगा। अब आपको बार बार फाइल पर जाकर सेव या कंट्रोल एस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपली आपको एंट्री करते जाना, और एंट्री करने के बाद डायरेक्टली आपको अपनी फाइल को क्लोज कर लेना है। जैसे क्लोज करोगे ऑटोमेटिक आपने जो भी एंट्री किया होगा ऑटो आपका वो फाइल में जाके सेव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रोफेशनल तरीके से एक्सेल में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एवं इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।